अगर कोई शख्स जानता है कि किसी भी वजह से, हराम वजह से जागना तो जाहिर सी बात है मना है, लेकिन कोई हलाल वजह से जाग रहा है, बोले मैं काम के लिए जाग रहा था, मैं फलां चीज के लिए जाग रहा था और जाग रहा था इसलिए मेरी नमाज छूट गई, क्यों छूट गई? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 12 बजे 1 बजे सोते हो तो फजर जाती है, अगर आपको पता चल गया। हाँ, नहीं जाती है तो अलग बात है, लेकिन अगर जाती है तो उलमा यहां तक बताते हैं, कहते हैं कि फिर रात में वो जागना जायज नहीं है आपके लिए। इसमें बात यह है कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है और सुबह का वक्त खैर और बरकत का वक्त है, हमें तब जागना बेहतर है, उठना है और नमाज पढ़ना है। अस्सलातु खैरु मिन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। हकीकत यह है कि रात में अगर लेट सोने की वजह से नमाज जा रही है तो फिर लेट सोना जायज नहीं है हमारे लिए। जैसे मिसाल के तौर पे कायदा है, मा ला युतिम्मुल वाजिब इल्ला बिही फहुवा वाजिब, वाजिब को पूरा करने के लिए जो चीज करना जरूरी है वो करना भी वाजिब हो जाता है। जैसे कोई कहे कि हज तो मुझ पर फर्ज हो गई है लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। अब पासपोर्ट नहीं है तो बनाओ। अब हज फर्ज हो गई है, हज करने के लिए पासपोर्ट नेसेसरी हो गया है, तो पासपोर्ट बनाना भी फर्ज हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर रात में लेट सोने की वजह से फजर जा रही है, एक बार तजुर्बा हुआ, दो बार तजुर्बा हुआ, सही बुखारी की हदीस है, ला युल्दगुल मोमिन फी जुहरी वाहिदी मरतैन, मोमिन एक बिल में दो बार नहीं डसा जाता। एक बार डसेगा कि रात को लेट सोए तो फजर गई। आपको पता होगा ना, याद है ना कि हदीस में क्या अल्फाज आए, कि जैसे कि उसका सर कुचला जा रहा है, और जैसे नहीं हकीकत में कुचला जा रहा है, कुचला जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि वो सर जो आराम से सो रहा है कल बरज़ख में कुचला जा रहा है वो। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, आपको मैं उभारता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में एक सिस्टम लाएं, चाहे वो फजर की नमाज हो, चाहे वो जहर असर मगरिब इशा, कुछ भी वजह से एक नमाज नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को दुनिया और आखिरत दोनों के खतरों में डालते हैं अगर हम नमाज मिस करते हैं तो।